नमस्कार दोस्तों, तो आज इस प्रोडक्ट की करूंगा मैं अनबॉक्सिंग और आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें हमें मिलते हैं कौन से फीचर्स और क्या ये सच में खरीदने लायक है भी या फिर नहीं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा। तो दोस्तों ये है बॉक्स स्टार मास्टर का, और स्टार मास्टर क्या क्या काम करता है, क्या फीचर्स है, वो तो हम आगे जानेंगे ही, मगर सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉक्स पे हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के ऊपर चारों तरफ हम देख लेते हैं, अलग अलग कलर के बारे में दिया गया और कुछ ज़्यादा खास डिटेल्स दी गई नहीं है। तो अब बॉक्स को खोल के ही हम लोग देख लेते हैं अंदर क्या क्या मिलता है हमें। तो बॉक्स के अंदर आप जब बॉक्स को खोलोगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक केबल जैसी है, तो ये है USB केबल दोस्तों। USB अडैप्टर मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, जिसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे आसानी से पावर बैंक के साथ भी या फिर कहीं और भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो जो कि बढ़िया बात है। और यहाँ पे ये अंडाकार जैसी चीज है, यहाँ पे देख सकते हो गोल गोल डोरीमोन जैसा लग रहा है मुझे तो ये बॉक्स। और अंदर एक और है यूजर मैनुअल, जो कि ठीक है, पढ़ सकते हो आप लोग चाहो तो, और देखेंगे हम भी यूजर मैनुअल पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो उल्टी पुल्टी चीजें तो लिखी हुई है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि बैटरी से आप यूज कर सकते हो, छोटी वाली जो 4 आती है उससे, या फिर लैपटॉप से आप भी यूज कर सकते हो इसको। और तीसरी चीज है जो डायरेक्ट प्लग कर सकते हो USB के साथ या फिर कोई और अडेप्टर के साथ, मगर हम इन तीनों ही चीजों के साथ में इसको यूज नहीं करेंगे, अपने यूज करेंगे इसको पावर बैंक के साथ। तो ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर लगी हुई है प्लास्टिक रैप, उसको जल्दी जल्दी से मैं निकाल देता हूँ। और प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसकी प्राइस है 575 रुपीज़ के आसपास, 500-600 के आसपास अमेज़न के ऊपर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर नीचे जाती रहती है प्राइस। तो इसकी प्राइस के हिसाब से ये सही है नहीं, वो तो हमें टेस्ट करने के बाद पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर एक वाइट कवर दिया गया है, जो कि इसको अगर आप हटाते हो तो लैंप मोड है जो ये वाइट कवर के साथ रहता है, और लैंप मोड हटाने के बाद यहाँ पर है प्रोजेक्टर मोड जो कि ब्लैक कलर का है, और ये खुलता नहीं है, आप देख सकते हो ये टाइटली बंद है। तो दो मोड है, लैंप मोड और प्रोजेक्टर मोड। और यहाँ पर बटन्स वगैरह की आपको मैं बात करूँ तो फंक्शंस दिए गए हैं A, B और C। दोस्तों इनके फंक्शंस तो हमें बाद में ही देखने को पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है A, B, C से क्या होता है। तो फटाफट से अब इसको कनेक्ट वगैरह करता हूं, और नीचे की साइड में आप देख सकते हो बैटरी से आप ऑपरेट कर सकते हो, तो उसके लिए भी दिया गया है। तो यहां पे आपको पता चल जाएगा DC 5 वॉट भी लिखा हुआ है, तो छोटी वाली बैटरी वगैरह लगेगी। तो अब फटाफट से इसको कनेक्ट करके देखता हूं मैं। तो इसको कनेक्ट करते ही आप देख सकते हो ये रोटेट होने लग गया और स्टार्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मगर असली मज़ा तो इसका अंधेरे में आएगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो ऊपर का एक बार लैंप हटा के देख लेते कि जो ब्लैक वाला है प्रोजेक्टर मोड वो कैसे काम कर रहा है, उसमें कैसे लगते हैं ये स्टार्स। तो अलग अलग कलर के हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा बटन्स का क्या काम है। तो ये देख सकते हो कितने आराम से ये घूम रहा है, रोटेट हो रहा है धीरे धीरे, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ऐसे देखने में, तो काफ़ी अमेजिंग लग ही रहा है। तो अब आगे की टेस्टिंग में करके बताता हूँ, आप देख सकते हो हाथ पे कैसे प्रोजेक्शन हो रहा है इसका। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है लाइट्स ऑफ, और यहाँ पे इसको भी ऑन कर दिया है मैंने। और अब अगर मैं फंक्शंस बताऊँ तो ए वाला जो बटन है उससे ये होता है येलो लाइट ऑन, जो कि सिंगल येलो लाइट रहती है। सी वाले बटन से आप रोटेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और जो बी वाली लाइट है उसमें आपको काफ़ी सारे डिफरेंट मोड मिलते हैं, अलग अलग कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं। और जो ब्लिंकिंग वाला मोड है वो भी मिलता है, जिससे कि लाइट्स अलग अलग कलर में निकलती जाती है और बंद होती जाती है, जो कि काफ़ी कमाल का है। आपको मैं दिखा देता हूँ फटाफट से अलग अलग मोड्स। तो मोड्स तो आप लोगों ने देख लिए होंगे, मगर असली चीज़ अब हम देखेंगे कि दीवार पे कैसा इसका प्रोजेक्शन होता है रूम की। हाथ पे तो आप देख सकते हो कितना तेज ये दे रहा है, तो रूम की जो दीवार है उस पर कितनी ब्राइटनेस इसमें आती है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट दोस्तों, ये जो अपनी दीवार है, सीलिंग है, पंखा भी आपको दिख रहा होगा बीच में, तो कैसे कमाल के तरीके से ये जो है प्रोजेक्शन दे रहा है। सारे स्टार्स और जो चांद है दो तीन वो घूम रहे हैं इसके रोटेशन की मदद से, और अलग अलग कलर के मोड्स आपको मिल जाते हैं ब्लिंकिंग वगैरह के। तो ये तो आप लोग देख ही सकते हो, साथ साथ में आपको बता देता हूँ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसके लिए मैं इसको देता हूँ 10 में से 7.5। और अगर हम बात करें इसकी लाइट की क्वालिटी जो कि प्रोजेक्शन है, तो उसको मिल जाएगा 10 में से 8.5। तो फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे तो ये लाइट का भी। और प्राइस की बात करें तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग रही है, मगर अमेज़ॉन पे और भी सेलर्स की प्राइजेस अवेलेबल है अलग अलग, मगर रेटिंग्स और रिव्यूज़ के हिसाब से जो वेरीफाइड सेलर है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो गिफ्ट देने के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे तो ये। और इसके अंदर हमें मिलता है ये जो है लैम्प वाला मोड, जो आप देख सकते हो इसमें ज़रा भी प्रोजेक्शन नहीं होगी, बल्कि जो व्हाइट कलर का कप है उसको रख देंगे तो लैम्प की तरह ये घूमता रहेगा, और बस जो लाइट है हल्की हल्की देगा लैम्प की तरह।
है तो काफ़ी बढ़िया लगता है ये भी। और ओवरऑल आप लोगों को कैसा लगा प्रोडक्ट ये देखने में तो नीचे बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। और प्रोजेक्शन अगर मैं आपको और भी दिखाऊं तो आप देख सकते हो इस तरह से ये देता है। तो कमेंट्स कीजिएगा वीडियो के नीचे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा किसी को भी अगर ऐसा कुछ खरीदना हो या कुछ भी करना हो तो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड वाला बटन दबा के, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, दोनों ही बिल्कुल फ्री है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली कमाल की वीडियो में।